हेलो दोस्तों, आज दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ये एक पोर्टेबल हमारा पोर्टेबल वाला स्टीम आयरन मशीन है जो घरों में बेसिकली घरों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा पोर्टेबल आयरन मशीन जो है सही से काम नहीं कर रहा था, इसका जो रिले होता है वो रिले जल गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये रिले इसका जल गया है। तो अब मैं इस रिले को भी निकाल लूँगा, निकाल के रिपेयर करने के है तो रिपेयर कर लूँगा। और ये देखिए इसके अंदर बहुत सारी मिट्टी भी चले गई पानी के साथ साथ, तो पहले मैं इसकी जो वाटर टैंक जो है इसको अच्छे से पहले क्लीन कर लेता हूँ, पानी इसमें डालकर अच्छे से क्लीन करके फिर मैं इसको कार्ड में रिपेयर करेगा। अब दोस्तों मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ, पानी डाल के अच्छे से इसमें क्लीन कर लूँगा। क्लीन कर लेने के बाद जो है उस कार्ड को मैं रिपेयर कर लूँगा, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो देखिए इस तरह से पूरी थ्रोली अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो ये एक्सेस वाटर भी है निकल रहा है। तो इसको क्लीन कर लेने के बाद जो है इसका जो क्लोजिंग कैप जो है, मैं इसका क्लोजिंग कैप लगा ले रहा हूँ। तो इसके अंदर पानी वगैरह भर के इसका क्लोजिंग कैप भी मैं इसका लगा के है ना, अभी मैं कार्ड खोल लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये है इसका पीसीबी कार्ड। ये पीसीबी कार्ड जो है इसका रिले जो है इसके अंदर जो जल गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये रिले इसका जल चुका है। अब इस रिले को जो मैं बाहर निकाल लेता हूँ सोल्डरिंग गन से। तो सोल्डरिंग गन से मैं इसको निकाल के है ना आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप इसकी स्पेसिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। तो ये जो है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो रिले लगा है इसका सेम इसका काम होता है जैसा कि अपना कॉन्टैक्टर होता है, छोटा सा कॉन्टैक्टर, उस तरह से रिले का भी काम होता है। तो मुझे लग रहा है कि इसके अंदर के जो कॉन्टैक्टर कॉइल जो है या पॉइंट्स जो है कॉन्टैक्टिंग पॉइंट्स वो बर्न हो चुके हैं। देखिए मैं निकाल लिया हूँ सोल्डर गन की मदद से। अब निकाल लेने के बाद जो है मैं इसको रिले को कट कर लेता हूँ। कट करके जो इसके कॉन्टैक्टिंग पॉइंट जो है उसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। देखो मैं क्लीन कर रहा हूँ इसके कॉन्टैक्टिंग पॉइंट। अभी मैं थोड़ा उसको चेक कर कर भी देख लिया कि इसके कॉन्टैक्टिंग पॉइंट अभी सही हो चुके हैं। तो अभी मैं इसको लगा के वापस इसे दोबारा लगा के जो है टेप लगा लेता हूँ। टेप लगा लेने के बाद वापस दोबारा इसको सोल्डरिंग करके उसी प्लेट में मैं पीसीबी बोर्ड में लगा दिया हूँ। ये देखिए वापस दोबारा लगा लिया हूँ। लगा लेने के बाद अब मैं इसको वापस इसकी वायरिंग वगैरह कनेक्शन लगा के जो है, ये इसकी फेस लाइन है, ये हीटर लाइन कनेक्शन है, ये सारा कुछ भी लगा लेने के बाद अभी स्टार्ट करके मैं उसको देखता हूँ। ये इसका कैप है, कैप क्लोज करके ये सारे मैंने स्क्रूज जो है सारे टाइट कर लिए हैं। सारे टाइट कर लेने के बाद जो है अब मैं स्टार्ट करके भी आपको दिखाता हूँ कि अभी ये चलेगा या नहीं चलेगा। ओके, फिर प्लग लगा के देखता हूँ। तो देखिए दोस्तों अभी ये चल रहा है। देखिए इसकी लाइट्स भी वगैरह आ रहे हैं, ब्लिंकिंग भी कर रहा है, तो ये चल रहा है। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूँगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब।